सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है और आपका जो डेबिट कार्ड है वहीं खो गया है या फिर चोरी हो गया है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप कैसे उसे ब्लॉक कर सकते हो अपने मोबाइल से। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से ही अपने डेबिट कार्ड को घर बैठे ब्लॉक कर सकते हो कुछ ही मिनट में। जी हाँ दोस्तों, आपको ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कस्टमर केयर से कोई बात करनी पड़ेगी। आप अपने मोबाइल से ही कुछ ही मिनट के अंदर अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हो और अपना नया डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एकदम लाइव तरीका दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं दोस्तों इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों ले चलता हूं मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूं कि आपको क्या तरीका अपनाना है जिससे आप अपने डेबिट कार्ड को घर बैठे ब्लॉक कर सको कुछ ही मिनट में। दोस्तों कार्ड ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करने का दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है HDFC नेट बैंकिंग। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है नेट बैंकिंग HDFC वाला, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा कस्टमर आईडी डालने का। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन करना है, आपको अपनी कस्टमर आईडी डालनी है और फिर आपको कंटिन्यू करना है। तो चलिए दोस्तों मैं करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी कस्टमर आईडी डाल दी है, ये देखिए। अब मैं आपको इसे कंटिन्यू पर क्लिक करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमसे अपना पासवर्ड मांग रहा है, तो दोस्तों कस्टमर आईडी मैंने ऑलरेडी डाल दी है, अब मुझे यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको इस प्लीज कन्फर्म वाले बॉक्स को चेक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मुझे लॉगिन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं लॉगिन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों आप इस पर लॉगिन पर क्लिक करोगे, आपके सामने देखिए दोस्तों दो ऑप्शन आएंगे सिक्योरिटी के लिए, कि आप अपनी ईमेल आईडी द्वारा इसे ओपन करना चाहते हो या फिर मोबाइल नंबर द्वारा। तो दोस्तों आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने अकाउंट पर रजिस्टर कराई हैं, वही आपको यहाँ पर शो होंगी। दोस्तों आप जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको डालना पड़ेगा। तो मैं अपने मोबाइल नंबर वाले बॉक्स पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि OTP आएगा दोस्तों और मोबाइल नंबर मेरे हाथ में ही है। मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने का दोस्तों आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके इस नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है इस वाइट वाले बॉक्स में। दोस्तों देखिए मेरा OTP आ चुका है, मैं OTP यहाँ पर डालता हूँ। OTP डालने के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आपका अकाउंट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कार्ड कैसे ब्लॉक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों जो ऑप्शन आ रहा है कार्ड वाला, आपको इस कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। यहाँ क्लिक करने का दोस्तों अब देखिए इस साइड में आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, ये देखिए। ऊपर जो ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों वो क्रेडिट कार्ड के हैं, यानी कि आपने अब कार्ड पर क्लिक किया था तो दोस्तों उसमें दोनों कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो आपके सामने सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों ये वाले, जो क्रेडिट कार्ड के हैं, यानी कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करना है तो आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डेबिट कार्ड के बारे में। तो दोस्तों आप देखिए डेबिट कार्ड के नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं, ये सब डेबिट कार्ड के ऑप्शन हैं। तो दोस्तों आपको जाना है डेबिट कार्ड के ऑप्शन वाले में रिक्वेस्ट पर, रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा चौथे नंबर पर, आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर इस पर डेबिट कार्ड हॉटलिस्टिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे आपका जो कार्ड नंबर है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। दोस्तों अगर आपके अकाउंट पर एक से ज़्यादा कार्ड हैं तो यहाँ पर सारे शो होने लगेंगे, लेकिन दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही कार्ड है
तो वो सिर्फ एक ही नंबर शो हो रहा है, एक ही कार्ड का नंबर। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ सिलेक्ट करने का दोस्तों आपका जो अकाउंट नंबर कार्ड नंबर है वो आपके सामने ऑप्शन देखिए दोस्तों ऊपर शो हो रहा है ये वाला। उसके नीचे दोस्तों ऑप्शन आ रहा है रीजन, यानी कि अगर आप कार्ड ब्लॉक करना चाहते हो तो उसका रीजन क्या है, आपको रीजन पर क्लिक करना है। रीजन दोस्तों आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, आपको इस पर एरो पर क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो पर क्लिक करोगे देखिए आपके सामने ये तीन चार तरह के रीजन आएंगे कि आपका कार्ड लॉस हो चुका है या डैमेज हो चुका है या फिर आपको कार्ड मिला ही नहीं है या फिर डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो दोस्तों आपका जो भी रीजन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा कार्ड अभी खोया नहीं है, नहीं टूटा हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो मैं कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो चलिए मैं ऊपर वाले सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ सेलेक्ट करने का दोस्तों आपको रिमार्क में कुछ भी लिख देना है, अपना रीजन लिख देना है कि किस तरीके से, जैसे कि आपका कार्ड लॉस हो चुका है तो उसका रीजन क्या था, आप यहाँ पे उसे लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे दोस्तों कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आई लिख देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपको दिखाना है, मुझे अपना कार्ड ब्लॉक नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखने के बाद जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जैसा कि भी आपको मैंने दिखाया था इसे लॉगिन करते टाइम। उसी तरीके से दोस्तों फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP दोस्तों आपको कंटिन्यू करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में उस OTP को डालना है और आपका जो कार्ड है दोस्तों ब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना डेबिट कार्ड यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आपको पता ही है कि HDFC बैंक का जो डेबिट कार्ड है उसकी फीस दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मैं अपना कार्ड ब्लॉक कर दूंगा तो फिर से मुझे उसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप अपना कार्ड ब्लॉक करना चाहते हो तो आपको सेम यही तरीका अपनाना है। तो दोस्तों आप ये मत बोलना कि मैंने आपको कार्ड ब्लॉक करके नहीं दिखाया तो आपका ब्लॉक नहीं होगा। आप जब ये तरीका अपनाओगे तो आपका कार्ड 100% तक ब्लॉक हो जाएगा। आप ट्राई करके ज़रूर देखना अगर आपको अपना कार्ड ब्लॉक करना है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी कि कैसे आप अपने डेबिट कार्ड को घर बैठे ब्लॉक कर सकते हो अपने मोबाइल से ही। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपना डेबिट कार्ड ब्लॉक नहीं किया है क्योंकि मेरा डेबिट कार्ड अभी तक ऑन है और ना ही वो खोया है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में मैंने अपना डेबिट कार्ड ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी तरीके को अपनाकर आप अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हो अगर आप ब्लॉक करना चाहते हो तो। क्योंकि दोस्तों जो तरीका मैंने आपको बताया है वो 100% वर्क करेगा। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें कि मैंने ब्लॉक नहीं किया है तो आपका नहीं होगा, आपका 100% ब्लॉक हो जाएगा अगर ब्लॉक करना चाहते हो तो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।